मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कांग्रेस अजय कुमार पर टिप्पणी को लेकर एसटी थाने में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अजय कुमार के बयान का समर्थन करते हुए इसे गलत बताया गया। में करेंगे पहले और उसके बाद देश में भी होगा, अन्य जगहों से भी होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि यह मामूली घटना नहीं है, मामूली बयान नहीं है, हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। जनजाति समाज के लिए ही नहीं, किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है कि किसी के जीवन दर्शन को ये कहना कि वह शैतानी दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका मतलब 12 करोड़ जनजाति समाज का जीवन दर्शन उनके लिए शैतानी दर्शन हो गया। उसके मन में यही है, शुरुआत से ही यही है, वही अब झलक झलक के, छलक छलक के बाहर आ रहा है। जब वो घिर रहे हैं अभी तो सफाई तो वो देंगे, भावातिरेक में ही आदमी का अंदर का असलियत बाहर आ जाता है, और भावातिरेक में उन्होंने कहा है और अभी उसी को आप स्पष्टीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जनजाति महिला, 12 करोड़ जनजाति समाज के प्रतिनिधि और जनजाति जीवन के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला को के बारे में रखना, उस तरह के बात कहना कि इवल फिलोसफी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो निश्चित तौर पर ये मामूली बात नहीं है। इसलिए जनजाति समाज इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखाई देगा कि किसी जनजाति समाज को कुछ भी कह करके अब तक निकल जाते थे लोग, और कांग्रेस पार्टी आज तक उसको बरगलाती रही है। जनता के बीच में उसका पोल खुलेगा, खुल रहा है, और उसके अंदर की नीयत हम सभी जानते हैं कि दो समय में या तो बहुत भावातिरेक होता है या कुछ लिया दिया रहता है, उस समय निकल आता है, वैसा ही इनका स्टेटमेंट निकल आया है। देखिए, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर अजय कुमार के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, डॉक्टर अजय कुमार जी ने सिर्फ विचारधारा की संघर्ष की बात की। राष्ट्रपति पद जैसे गरिमामय पद को किसी समाज के साथ सिंबलाइज करने का विरोध किया, और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने तो आर के नारायण का विरोध किया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है क्या? तो केस तो उनके आईटी सेल के हेड के ऊपर, अमित मालवीय के ऊपर होना चाहिए, और उस पर विचार भी चल रहा है। इस प्रकार से छद्म राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी आखिर साबित क्या करना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी प्रेम का राग अलाप रही है, जिसको विश्वास रैली करने की आवश्यकता पड़ गई झारखंड में, आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि आदिवासियों का विश्वास वो खो चुकी है। और ये साबित हो गया कि मांडर के उपचुनाव में भी आदिवासियों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, तमाम मिथ्या प्रचारों के बावजूद। जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, आदिवासियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को घटाती है और चुनाव से पहले विश्वास रैली करके आदिवासियों को रिझाती है, तो ये सच्चाई जो है झारखंड के या देश के तमाम आदिवासी इस बात को जानते हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी ने विचारधारा के संघर्ष के संदर्भ में कहा और उसको तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया जा रहा है, इस प्रकार की घृणित और विद्वेषपूर्ण राजनीति का जवाब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जरूर मांगेगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।